फरीद सर, सुबह बखैर। ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच जी, मैं आपको गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। आपके कंपनी के ट्रक में बहुत सारा ड्रग्स मिला है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है? बात सुने फरीद साहब, सूरत हाल बहुत ही संजीदा है, और भी बहुत सी गिरफ्तारियां करनी है हमें। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा तहकीकात के लिए। चलिए प्लीज। क्या मतलब है इसका? नाजली, जाहिर है किसी ने फंसाया है मुझे। हम इसको देख लेंगे, परेशान ना हो। तुम घर से कहीं मत जाना प्लीज। मैं भी चलूंगी। रुको नाजली, तुम यहीं रुको, मैं बयान देके वापस आ जाऊंगा। दरवाजे पर मुहाफिज है, अगर तुम चाहो तो फतोज को बुला लो। फिक्र ना करना, हम अभी वापस आ जाएंगे। ख्याल रखना। मेरा किसी गंदे काम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पूरी तरह एक साजिश है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपको समझता हूँ फरीद साहब, आपकी कंपनी से ताल्लुक रखने वाले ट्रक से बहुत बड़ी मंशियत बरामद हुई है, हमें आपका बयान लेना होगा। ऑर्गेनाइज क्राइम और मंशियात के शोबे ने मिलकर ये काम किया है, बोझ बहुत ज्यादा है काम का, आपका बस एक हिस्सा है इसमें। सर, जैसे कि मेरे मुलजिम ने बताया, उनका ऐसे कामों से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए सर, ये एक इज्जतदार कारोबारी शख्स है और मैं इनकी रिहाई तलब करता हूँ। ऐसा कुछ अभी मुमकिन नहीं, और भी गिरफ्तारियां हैं, दीगर कंपनियों के मालिकों से भी सवाल किए जाएंगे। जब तक तहकीकात खत्म नहीं हो जाती, हम आपको यहाँ रखेंगे। कितनी देर रुकना होगा यहाँ? इस वक्त जवाब देना मुमकिन नहीं है, बयानात के मुताबिक 2-3 घंटे लग सकते हैं, या फिर 2-3 दिन भी। आप ताबून करें हमारे साथ। देखें, जिनके साथ हम काम करते हैं उनको सब जानते हैं, ऐसे नीच काम से हमारा कोई ताल्लुक हो सकता है क्या? मुझे जितना खुद पर अतमाद है उतना ही मुलाजमीन पर भी। तो आपके नजदीक ये किसने किया है? कोई मेरा नाम खराब करना चाह रहा है, ये जाहिर है। तो क्या आपको किसी पर शक है? हक्कान साहब, हम इन तमाम तफसीलात पर मुत्तफिक हैं, हम मुहिदे पर दस्तखत करने के मुंतजिर हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा सौदा हो गया फरीद साहब के साथ और दस्तखत करना चाहते हैं मुहिदे पर। अभी ये बताओ कि फरीद साहब यहाँ मौजूद हैं तो कोई सौदा नहीं होगा, उसके बाद उनके सामने बिल्कुल नई पोसूला होल्डिंग है। इनका कहना है कि मिस्टर फरीद, हेलो, कैसे हैं आप लोग? खुश आमदीद, मैं यहाँ हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? हमारी गैर मौजूदगी में हमारे मेहमानों का ख्याल रखने का शुक्रिया, आप तुम जा सकते हो। क्या है भाई, क्यों सुबह से फोन कर रहे हो मुझे? किस किस्म का छापा बेटा? हमारी किताबों का मुआयना पहले महीने नहीं हुआ था। शिकायत? किसने की शिकायत? मिसेज इकबाल, क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है? ये लीजिए। सब कुछ पहले से तैयार है, हम दस्तखत कर सकते हैं। मुझे पेन दीजिएगा प्लीज, आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। ये रहा एग्रीमेंट। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहा होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। थैंक यू फरीद साहब। मैं उम्मीद करता हूं कि हम मिलान में जल्द मिलेंगे। शुक्रिया। मिलकर खुशी हुई। सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। ये बात तो सच है कि ये तुम्हारे साथ ही धोखा है, इसके पीछे कौन होगा? इन सवालों का जवाब तुम्हें मालूम है। मुझे भी हकान पर ही शक है। वो आदमी पहले ही हस्बे मामूल मुश्तबा है डियर। खैर, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, फिर बात करते हैं। कानून का पहला असूल है, हर कोई जुर्म साबित हो जाने तक मासूम है। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं, पुलिस तहकीक कर लेगी। यार, ये सब मामला तो चलते रहेंगे। एक बात बतानी है तुम्हें, आज नक्श निगारी की नुमाइश है। मुझे पता है कि इस वक्त ये बात करना मुनासिब नहीं थी, मगर इसका प्लान मैंने बहुत पहले कर लिया। अरे नहीं 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 नहीं, फन की नुमाइश के लिए किसी वक्त की जरूरत नहीं होती, हमें हमेशा उनकी जरूरत है, और हम सब लोगों को उसकी ओपनिंग पर जरूर जाना चाहिए। कुछ अरसे हम सब लोग अदालत और तहकीकात से उलझे रहे, मेरा तो यही ख्याल है, और ऐसी चीजों का होते रहना तो हमारे लिए फायदेमंद है। हाँ, बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि
यानी नाजली की तस्वीरें तुम्हारे साथ प्रेस में शाया हो गईं, फिर तुमने शादी का ऐलान कर दिया, फिर प्रेस में तुम्हारा ये बयान आ गया कि तुम शादी करने वाले हो। इस वजह से ये तमाम मामलात रुक गए थे, तुम्हारी शादी की वजह से। ये बात सबके लिए बहुत ही दिलचस्प रही। हाँ यही है, तुम सही कह रहे हो। फजूल में तो नहीं कहते, जिंदगी इसी के नाम है, जो इंसान प्लान करता है वही करता है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या मंसूबा बना रहे थे। कुछ अरसा खेलने का सोच रहा था, पुरसुकून, थोड़ा दूर। फिर मैंने सोचा कि जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी बुलुत को बचा लेंगे, लेकिन मंसूबा बदल गया। फिर आज मंसूबा मत बदलना, इसे तपे मिलते हैं। जरूर, मैं नुमाइश गाह पर रहूंगा, मिलते हैं, देखेंगे। हकान ने हमारे एक मुलाजिम से माल वाले ट्रक का रास्ता पूछा था, तो जब ये सब कुछ हुआ वो लड़का डर गया और उसने मुझे बताया। आखिरकार ये राज की मालूमात नहीं, यानी हम ऐसी जगह से पता कर सकते हैं जहां हमने पहले काम किया है। इसके अलावा ये अजीब लग रहा है कि हकान साहब ने ये फेरे ज्यादा तादाद में मांगी, देखें क्या होता है आगे। तमाम पकड़े गए ट्रक्स उन ट्रक्स को तब्दील करने गए थे जो कि सड़क पर खराब हो गए थे। 6 ट्रक खराब हुए जिसमें से 4 के अंदर मंशियात बरामद हुई। मौजे कभी नहीं रुकते, जाहिर है हकान ने किया ये। और उसने वो ट्रक खराब किए और उसी ने डैमर की गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी। ताहिर को काम पर लगाया हमने लेकिन कोई फायदा नहीं, उन्होंने उस पर एतमाद नहीं किया। इस मालूमात के साथ हकान साहब पर इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन ये बात वाज़े है कि इस बुरे काम में उनका ही हाथ है। फिलहाल हकान की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स का मुआयना हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पर भी सब कुछ सामने आ गया है। क्या ये सारे सबूत हमारे लिए सूदमंद नहीं है? बिल्कुल फरीद साहब, तो बिना देर किए हम अदालत में दरख्वास्त जल्दी करते हैं आपकी रिहाई के लिए फरीद साहब, और हकान साहब के खिलाफ जो हमारे पास सबूत हैं, हमारे हाथ मजबूत है बुलुत की वकालत हासिल करने के लिए। हाँ, फिर एक मिनट भी हमें जाया नहीं करना चाहिए। जी सर। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा मसरूफ हूँ, आज रात को इफ्तिताह पर मिलते हैं। ठीक है फरीद साहब, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है, मैंने टायर पंचर करके गाड़ी मैकेनिक की दुकान पर छोड़ दी है। ताहिर ने कहा था हकान होगा वहाँ आज, तुमने किसी को देखा? वो नहीं था वहाँ, लेकिन मैंने खसूसन तौर पर वहाँ देखा भी नहीं। ऐसा इसलिए किया कि कोई मुझ पर शक ना करे, यानी मंसूबा हमारा ठीक था लेकिन मैंने बेवकूफी कर दी, मतलब मेरे अंदर भी सलाहियत है जिसकी वजह से उन्हें यकीन आ गया। ब्रावो तारिक, बहुत जबरदस्त काम किया तुमने। नहीं, मुझे असल में मजबूर नहीं किया गया, बहुत आसान है, बस ज्यादा मुश्किल मुझे टायर पंचर करने में हुई। पता नहीं नए टायर को फाड़ना इतना मुश्किल क्यों है फरीद साहब, लेकिन डरते डरते मैंने टायर पंचर कर ही दिया। खैर देखते हैं। 15 मिनट हो गए हैं मुझे फोन आए हुए, फरीद साहब गाड़ी आती ही होगी। हाँ तारिक, जैसे ही गाड़ी आए मुलाजमीन उसको देखें, ये देखना जरूरी है कि सिर्फ टायरों को ही चढ़ा है या किसी और चीज को भी। जी जी। ताहिर ने फोन नहीं किया? उसकी मौजूदगी में फोन नहीं कर सकता वो। हाँ हजरात, मुझे फखर हो रहा है, कसम से दरवाजे पर इस्तकबाल हो रहा है। मैं बस एक बात कहूँगा दोस्तों, गाड़ी आग पर है, वाकई ऐसे खींचते हो हैंडल को पानी निकलता है बाहर। इंजन तुम दबाओ, काम करता है ये और फिर बंद हो जाता है। मुझे पसंद आया, टायर के साथ मसला था, तुम मेरी दुकान पर ले आए इसे, मैं भी वहीं पे था। लड़के ने कहा कि काम हो गया है, आप गाड़ी को ले जाएं, मैंने कहा खुशी से और मैं आ गया, कसम से अच्छा किया। ये रही आपकी गाड़ी, बहुत अच्छी जगह है, मैं भी गाड़ियाँ वहाँ लेकर जाता हूँ सर्विस के लिए, लड़के बहुत भरोसे वाले हैं, टायर बहुत अच्छे से सही किया उन्होंने, अब इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा अगर ख्याल से चलाएंगे तो। हम बड़े काम करते हैं, हमारे बड़े रकीब हैं, मगर दुश्मन हैं। जो भी गाड़ी किसी के साथ खेलती है बदल देते हैं, हमारा काम ही कुछ ऐसा है ना, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। खैर माफ कर, मैं चलता हूँ। तारिक खुदा हाफिज। ये सब कुछ पहले से जानता था जब इतनी शोखियां मार रहा है। तारिक, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कुछ किया है, तुम फिर भी देख लो, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मिलते हैं फिर बाद में। जी इंशाल्लाह। हम अच्छा ध्यान रखते हैं। हाँ ताहिर बोलो। अच्छी खबर है फरीद साहब, मैंने अकान साहब को यकीन में ले लिया है और उन्होंने मुझे काम भी दिया है। अच्छा, तो क्या करोगे फिर तुम? एक डिलीवरी
काम दिया है। उन्होंने मुझे एक बैग कहीं पहुंचाने का कहा है और कहा कि इसमें बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ध्यान से जाना। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उनका। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, क्या तुम जानते हो कि उस बैग में क्या है? मुझे नहीं पता फरीद साहब, क्योंकि ये बैग बंद है। दूसरी पार्टी को शायद इसका पासवर्ड पता हो। तुम कहीं पुलिस के पास ले गए तो वो कहीं भाग ना जाए, लेकिन वो इसको छोड़ भी नहीं सकता मुझे ऐसा लगता है। फरीद साहब, मैं इसको पुलिस के पास नहीं लेके जा रहा। मैं इसे पहुंचाऊंगा और इस तरह मैं उनका यकीन हासिल कर लूंगा। मुझे यकीन है ऐसा करने से मुझे अगला बहुत बड़ा काम मिलेगा और इस तरह मैं हमेशा उनके साथ भी रह सकूंगा। ठीक है ताहिर, ध्यान से काम करना, कुछ ऐसा ना हो कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। ठीक है फरीद साहब। क्या चल रहा है? हक्कान बस जाल में फंस गया है, उसने काम दिया ताहिर को। हो, क्या बात है? अच्छा है, काफी अरसे बाद मुस्कुराते देख रहा हूं तुम्हें। मैं इन दिनों कुछ परेशान हुएंगे डेनिस की वजह से, अफसरदा थे तुम जानता हूं मैं। समझ नहीं आता सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। मेरी और नाजली की कुछ बहस हुई है। क्यों? आसमान को पता चल गया है कि हमारी शादी असल नहीं है और अब वो डेनिस के घर रह रही है। ओफ 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 ओफ, इसका मतलब तुम डेंजर जोन में हो। नाजली इस बारे में क्या कहती है? उसने तो बस यही कहा कि हमें आसमान पर यकीन रखना चाहिए और ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। पता नहीं, शायद मैं ज्यादा बोल गया। ये सिर्फ शक है बस। देखो, वो हमेशा हमें ऐसे ही बीच में छोड़ देते हैं ना। वैसे इस बात से तुम्हें क्यों गुस्सा आ गया? मैं भी था दरमियान में, मैं नहीं जानता कि सही क्या है गलत। तुमने क्या किया? फतोश को छोड़ दिया मैंने, बस यही सोचा कि हम दोनों दोस्त रहेंगे। क्या तुम ये क्या करोगे फिर तुम? क्या मतलब है कि तुम नहीं कर सकते हो? ये टेबल नंबर 5 के लिए, ठीक है? मेरा मतलब फतोश, सच बोलूं तो रिलेशनशिप के बाद दोस्त रहना बहुत मुश्किल काम होता है। सही बात है नाजली, मुझे क्या पता, मुझे इन बातों का नहीं पता यार। क्या तुमने नमकदान रख दिया है वहाँ? हाँ, मैंने चेक कर लिए थे, उसमें से 2-3 टूटे हुए भी थे। लिखो कि हमें कुछ नए बर्तन भी चाहिए। कितने रुमाल आएंगे यहाँ? नहीं पता। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम एंगन को किसी और लड़की के साथ देखो तो कैसा लगेगा? डिपेंड करता है, अगर लड़की खूबसूरत होगी तो मुझे चिढ़ होगी उससे, मैं उसको मारना चाहूंगी, मैं उसका सामना भी नहीं करना चाहूंगी बिल्कुल। और अगर वो मेरे सामने आएगी तो उसके बारे में बुरी बुरी बातें कहूंगी। लेकिन अगर लड़की खूबसूरत नहीं है तो मैं उसका सामना करना चाहूंगी, वो भी कुछ खास जगहों पर। खूबसूरती से हरा दूंगी मैं उसे। फतोश, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया यार। यही हमारे ताल्लुक का खुलासा है बस। देखो, हमें मौके की नजाकत से अपने आप को चेंज करना पड़ता है नाजनी। मैं अपनी डायरी में ये सब लिख लेती हूँ। क्या तुम वाकई चाहती हो मैं उनको यहाँ पे बुलाऊं? मैं बहुत खुश थी कि तुम्हारी शादी होने वाली है, बहुत मजे करते हम। हाँ यार, लेकिन ये नहीं हो पाया। मैंने ना अपने आप से एक वादा किया था कि अब से मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दूंगी। यार फतोश, प्लीज बस करो, अब तुम भी मुझसे कोई मशवरा ना लो, देखो जरा मुझे। अरे यार नाजली, अपना हस्बैंड चुनने में ना कोई भी बुराई नहीं है, तुम समझी मेरी बात को। अब अगर बहन भाई की वजह से गड़बड़ हो जाए तो हमारी गलती तो नहीं ना। मैंने उसका नाम लिया है, उसने मुझे फिर मुसीबत में डाल दिया है। क्या कर दिया उसने? मिस नाजली, क्या आप किचन में आ सकती हैं? आ रही हूँ, बाद में बात करते हैं। बड़ी ही बेहतरीन टाइमिंग पे आए हो तुम वैसे महमूद। सामना हमारे बारे में सही कह रहे हैं। वाकई तुम ठीक कह रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने आप को परेशानी में मत डालना। नाजली देखो, तुम परेशान नहीं हो ना मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब ठीक कर देंगे, देखना। सब बदल गया, सब कुछ बर्बाद हो गया एक सेकंड में, कैसे? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी जान, बिल्कुल ठीक कह रही हो। बकवास मत करो फतोश, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की कि मैं उससे माफ़ी मांगूं। अरे यार नहीं नाजली, मैं सब कुछ समझ रही हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ कि तुम मुश्किल में हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पहला कदम क्यों उठाऊं। मुझे नहीं लगता कि नाजली की गलती हो सकती है, शायद तुम ज्यादा कर गए। उसको अपने वालिद को मना करना चाहिए था। देखो फरीद, तुम दोनों के लिए बहुत मुश्किल दिन था। नाजली आइस हाउस में बंद रही, इस शादी की वजह से अपने पूरे खानदान के खिलाफ हो गई। मुझे लगता है तुम ये सब भूल गए हो। तुम जानते हो कि मैं ये बातें नहीं भूलता एंगिन। जो हरकतें उस वक्त आसमान ने की वो सारी की सारी नाजरी ने छुपाई हमसे। लेकिन परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, और किसी चीज के बारे में मत सोचो। क्या तुम मोहब्बत नहीं करते उससे? तुम उससे पागलों की तरह मोहब्बत करती हो, है ना? जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ ना, तो मुझे फरीद के नाम के 2 चमकते हुए तारे नजर आते हैं। तारे? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अंधी हो गई हो। आई, अपने सिग्नल की रेड लाइट को ऑफ करो और ग्रीन लाइट जलाओ यार, उसको रास्ता तो दो अंदर आने का। फतोश, मैंने ग्रीन लाइट ऑन भी कर दी तो क्या फायदा, वो कभी नहीं आने वाला उस लाइट को देख के। अच्छा, तो 2 आशिक हैं जो दिन रात एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक ही घर में रहते हैं और तुम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं होता, है ना? नहीं, जाहिर है ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होता। वैसे भी बस एक अट्रैक्शन जैसी है, वो ज्यादा दिन नहीं रहती, वक्त के साथ खत्म हो जाती है। उसको खत्म ना होने दो नाजली, तुम्हारे झूठे दिखने वाले सच्चे प्यार को किसी न किसी नतीजे पे आना ही होगा।
डेनिस के साथ होने वाला हादसा हम सबके लिए एक सबक होना चाहिए यार नाजली, के पता नहीं कल हो भी या ना हो। यार फतोश, अगर मैं उसको ग्रीन सिग्नल दे भी दूं तो वो नहीं आएगा, उसका गुस्सा बहुत तेज है, वो मुझे माफ नहीं करेगा। हमारे दरमियान बहुत रुकावटें हैं। तो तुम रुकावटों को खत्म करो ना। कैसे करूं मैं फतोश? क्यों नहीं, हमारे बीच 10 फीट लंबी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। ऐसा करो दीवारें ही फैलांग लो। नहीं फैलांग सकती। तुम कर सकती हो। मैं नहीं कर सकती फतोश, समझो। तो क्या हुआ अगर ऐसा है? ऐसा करो ना कि पुल बना लो, पुल के ऊपर से चली जाओ। मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि नहीं करने देगा मुझे। तो फिर तुम ऐसा करना कि एक नया पुल बना लेना नाजली। मैं तो कह रही हूँ कि जब तुम दूसरे काम भी करो ना तो सोचो कि वो तुम्हें पुल कैसे बनाना है, ठीक है ना? मैं बोर हो रही हूँ, मुझसे और ये नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने के बावजूद इतना दूर क्यों रह रहे हो यार? मुझे बताओ यही है मसले का हल क्या? ओहो एंगन, छोड़ो इस बात को, मुझे तो अब इन सारी चीजों की आदत हो गई है। देखो मुझे लगता है तुम्हें इसे हल करना चाहिए वरना ये मसला बढ़ता ही चला जाएगा। मैं जानता हूँ ये कैसे हल करना है। ठीक है, काम के बाद नाजरी के पास जाओ और उसका दिल जीत लो, और अगर तुम बोलो तो मैं उसके लिए फूल भी ले जाऊँ। अच्छा आइडिया है। हाँ ठीक है, यही कर लेना। जज साहब, इस वक्त हमारे पास जो बिलुत की रिपोर्ट है मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बिलुत घर में लड़ाई की वजह से परेशान हो गया था और इसी वजह से उसने नाजली मैडम को डरते हुए कॉल की। बलूत ने नाजली मैडम से अपने आप को बचाने के लिए कहा। मेरे क्लाइंट फरीद साहब से ये बात वाजे है कि वो अपने आप को हक्कान साहब के साथ महफूज नहीं समझता, और बलूत उसने फरीद साहब और नाजली मैडम को बताया कि वो हक्कान साहब और मिस डेविड के घर में हरगिज खुश नहीं है। अपने दर्दनाक वाकये के बाद बलूत के काउंसिलर के रिपोर्ट के मुताबिक जिन्हें नाकामियां मिली जज साहब, कि वो अपने माहौल में हरगिज खुश नहीं है, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ जज साहब कि वो अपनी नई जिंदगी में नहीं चल पाया, और उस मासूम बच्चे को ये जाहिर किया गया कि ये सारी चीजें उसके लिए मुनासिब नहीं थी। साहब जैसा कि आप इन रिकॉर्ड में देख सकते हैं, फरीद साहब और उनकी कंपनी एक ड्रग्स ऑपरेशन में मुलविस थी। इस उम्र के बच्चों के लिए ये चीजें आम हैं कि वो ड्रामा का शिकार हो जाए ऐसे माहौल में। मेरे क्लाइंट डेमित मैडम और उनके शौहर, ये लोग बहुत अच्छे से रहते हैं और इन्हें पेशे वराना तौर पर अहमियत मिलती है। बुलुत को तंदुरुस्ती में इस सब से निकालने में जज साहब अगर हम तरजीह दें, जल्दी में की गई नाजनी मैडम और फरीद साहब की शादी सबके लिए हैरान कुन थी कि दो लोग एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते भी नहीं। बदकिस्मती से ये वाजे है कि मेरे क्लाइंट जो एक दूसरे के लिए हैं, एक खानदानी माहौल नहीं दे सकते और ना ही एक घर का माहौल दे सकते हैं। प्यार करता हूँ। हाँ डेमिट पप्पा मुझे बहुत टाइस ला कर देती हैं, पर कभी कभी गुस्सा करती हैं।
कभी कभी हकार अंकल भी गुस्सा हो जाते हैं, पर मामू और नाजली मेरे साथ कभी गुस्सा नहीं होते। मेरे नाजली के हाथ के खाने भी बहुत पसंद है। मुझे लगता है अगर मैं अपने मामू के घर जाऊं, तो मैं हर रोज स्कूल के बाद और ज्यादा पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे मामू और नाजली बहुत पसंद है। क्या तुम्हें अंकल और फुप्पो अच्छे नहीं लगते? तुम वहाँ खुश नहीं हो, क्यों? क्योंकि वो मेरे घर जैसा नहीं है, यानी मैं वहाँ काफी बोर होता हूँ। फरीद मामू का घर घर जैसा है, लेकिन हक्कान अंकल ने वादा किया है अगर मैं उनके साथ रहा तो हम साथ में ड्राइव पर जाएंगे और मैं ड्राइव करूँगा। पर मैं अभी अपने मामू के घर रहना चाहता हूँ, शायद वो भी मुझे इजाज़त दे दे, है ना मामू? इजाज़त देंगे? ठीक है। दोनों पार्टियों को सुना गया है और उनके सबूत देखे गए हैं। ये सबूत फरीद और नाजली की शादी को नकली साबित नहीं करते। पिछली अदालत पर मुहाफिज ने खुद शादी का सबूत दिखाया है और ये बात अदालत में वाजे हो चुकी है। अदालत को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि जिससे ये साबित हो कि ये शादी नकली है। आप कौन है? आप इस तरह यहाँ नहीं आ सकते। ठीक कहा, लेकिन मैं अदालत को कुछ बताना चाहता हूँ।